तो दोस्तों फाइनली हम लोग मुरादाबाद सिटी को क्रॉस करके अभी मेन हाईवे पे हैं। यहाँ पे 151 किलोमीटर दिल्ली से, ये थोड़ा सा यहाँ से आवाज़ आ रही है ना, तो देखते हैं आवाज़ किस चीज़ की है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो जैसा कि मैंने अपडेट किया था आप लोग को इंस्टाग्राम पे कि एक बहुत लंबी राइड होने वाली है। लंबी राइड आप देख सकते हो, दिल्ली है यहाँ से 362 किलोमीटर, और हम अभी अपने मतलब मैं अपने घर से 20 किलोमीटर आगे आके आ चुका हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 380 किलोमीटर, और टाइम अभी हो रहा है 1:30, और हमारे साथ है द गैंगस्टर यामाहा RX 100। बहुत ही प्रिंस्टीन कंडीशन में है, साफ़ सुथरी गाड़ी है, लेकिन अभी देखते हैं इसकी क्या परफॉर्मेंस आती है। टैंक हमने इतना फुल करा दिया है कि देखो यहाँ तक से निकल रहा है ऑयल। कोई बात नहीं, अभी हाईवे पे चलते हैं और देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा इसे दिल्ली पहुँचने में, और आप लोग से रोड पे बहुत सारी बातें करनी है, आपको दिखाना है एक एक्सपीरियंस। और वो लोग जो मतलब मुझसे काफ़ी पूछ चुके हैं कई बारी कि यार लॉन्ग राइड पे RX का क्या है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। और हम निकल दिए यहाँ से दिल्ली 362 किलोमीटर, ये यहाँ से मेन हाईवे स्टार्ट हो जाता है NH 24। तो अभी हम लोग NH 24 पे आने वाले हैं, और ये आगे आपका NH 24। तो जैसा मैंने बताया था यार, बहुत से लोग ना मुझसे पूछते हैं कि यार लॉन्ग राइड पे जाएं तो क्या क्या किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या करें। तो मैं आपको आज सारी वो बातें बताने वाला हूँ। वीडियो माइट भी लंबा हो सकता है, तो कोई नहीं, मैं ऐसे दो पार्ट में बना दूंगा, ठीक है। लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है वीडियो आप लोग के लिए। मीटर यार इसका ना थोड़ा सा अभी चल नहीं रहा है, वायर का इशू है। तो इसे दिल्ली जब पहुंच जाएगी ना, तब छोटा मोटा जो भी काम होगा इसका वो भी कराएंगे और बातें करेंगे आप लोग से। अभी बरेली 66 किलोमीटर है, जो फर्स्ट माइल है हमारा वो है बरेली। बरेली के बाद हमारा रामपुर, फिर मुरादाबाद, फिर हापुड़, और दैन फिर आएगा हमारा दिल्ली। तो अभी तक तो स्मूथ चल रही है बहुत ज़्यादा गाड़ी, मतलब मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, तो इसलिए थकान ज़्यादा नहीं होने वाली है। जब वाइब्रेशन होता है ना तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है बॉडी में। लास्ट वीक ही मैं 135 लेके आया था, वो भी स्मूथ थी, लेकिन ये 100 है, तो 100 में ना थोड़ा बहुत थकान हो जाता है लॉन्ग राइड पे, क्योंकि ये उतना स्पीड से भागती भी नहीं है जिस स्पीड से RX 135 भागती है, प्लस इसमें वाइब्रेशन तो होते ही है यार RX 100 में। चलो लेट्स सी किस टाइम में पहुँचते हैं। सो फार 90+ किलोमीटर, या ये कहें कि 100 किलोमीटर के आसपास जो है वो गाड़ी चला चुके हैं हम अभी, और गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देखिए ये आ गया बरेली, सामने आपका बरेली है, ये आपका हाईवे है NH 24, मतलब बाईपास है ये। यहाँ से हम निकल जाएंगे सीधा मुरादाबाद वाले रोड के लिए, अंदर घुसेंगे नहीं। अंदर सिटी में जाना है तो उसके लिए आप अंदर से जा सकते हैं, बट हमें सिटी में जाना नहीं है, हमें तो सिर्फ हाईवे ही जाना है। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आप देख रहे हैं, ये है एनवर्टिस यूनिवर्सिटी। तो अभी तक तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार बाइक चलाने में, बट हाँ थोड़ी दिक्कत ये हो रही है कि धूप निकली हुई है यार, तो धूप में ना अजीब सा लगता है, बाइक चलाने का मन नहीं करता है। और टू स्ट्रोक के लिए भी धूप जो है ना वो बहुत गंदी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा गाड़ी हीट करती है। हालाँकि अभी गाड़ी ने हीट किया नहीं है। तो एक टिप ये भी है आप लोग के लिए कि कभी भी आप लोग अगर राइड पे जा रहे हैं और धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, राइट, तो फिर आप लोग गाड़ी को रेस्ट दीजिए। एटलीस्ट अगर आप सिंगल हैं, सिंगल राइड कर रहे हैं, तो 150 किलोमीटर के बाद एक 15-20 मिनट का रेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप दो लोग हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 100-120 के बाद आप लोग एक रेस्ट लो, छोटा सा रेस्ट कंटिन्यूसली गाड़ी, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, इसका पिस्टन जो होता है ना वो बहुत हीट करता है। मेरे साथ एक बार हो चुका था, 3 साल पहले मैं अपनी 135 से आ रहा था दिल्ली टू अपने होम टाउन, तो वहाँ पे मेरे साथ ये सीन हुआ था। तो वही एक्सपीरियंस मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। हालाँकि ये रोड जो है बहुत गंदा सा है, इस साइड में अजीब सी गाड़ी ऐसे लहरा के चलती है, तो ये छोटी सी पटरी है।
तो अभी टाइम पता नहीं क्या हुआ होगा, बट मेरे हिसाब से एक घंटा तो हमें लग गया है, एक घंटे के अंदर जो है वो हमने बरेली क्रॉस कर दिया। अभी 25 किलोमीटर के बाद जो है ना वो एक बरेली का दूसरा हाईवे आएगा जिसको बोलते हैं झुमका चौराहा, वो बाईपास है वहाँ से। तो बने रहिए, देते हैं आपको छोटी छोटी और अपडेट्स। तो दोस्तों हम लोग अभी झुमका चौराहा जो है ना उससे थोड़ा ही सा पहले हैं और अब मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और धूप भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई है। तो हल्का सा ना गाड़ी का साउंड चेंज हो गया है, हल्का सा, वो एक नॉर्मल सी बात है, वो ऑब्वियस सी बात है, जब इंजन हीट होता है ना तो आपका इंजन का साउंड भी चेंज होता रहता है। तो अभी काम करेंगे, अभी कहीं पे मैं सोच रहा हूँ रोड के किनारे कोई मुझे दुकान ढाबा कुछ ऐसा सा मिलता है तो वहाँ पे रोक लेता हूँ बाइक और अपने आप को हाइड्रेट भी करता हूँ, क्योंकि मैं भी डिहाइड्रेट सा हो गया हूँ, प्यास लग रही है बहुत तेज़। तो मैं ऐसे कहीं रेंडमली रोक नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कहीं पर सही सा मिल ही जाए वहीं रोकूँगा। और देखिए बात करते करते झुमका चौराहा भी आ गए, मुरादाबाद है यहाँ से 82 किलोमीटर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप रहेगा यहाँ के बाद वो सीधा रहेगा मुरादाबाद के लिए, मुरादाबाद रुकेंगे, वहाँ खाना वगैरह खा पी के फिर निकलेंगे आगे। ये देखिए झुमका चौराहा है, झुमका लगा हुआ है इधर और ये सीधा हाईवे, इधर से भी आप दिल्ली बरेली के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो दो रास्ते हैं, एक उधर से जब हम आ रहे थे और एक हो गया आपका इधर से, ये पंजाबी तड़का। चलो एक काम करते हैं यहीं रोक लेते हैं यार, है ना, और आगे कहाँ तक कितना वेट करेंगे। चलो आगे वहाँ उस पेड़ के नीचे रोकते हैं और फिर रेस्ट करते हैं। तो हम रुके थे यहाँ पे, हमने यहाँ से पिया जलजीरा जो कि बहुत टेस्टी था, नींबू वीबू डलवा के पिया सारा, तो ताकि डिहाइड्रेशन जो है ना हमारा कम हो जाए। अब गाड़ी स्टार्ट कर दे और निकलते हैं यहाँ से। मैंने दो ग्लास पिए भाई, बहुत मज़े का था, थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट भी दे लिया है, वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अपनी बॉडी को भी थोड़ा सा। ये थोड़ा सा यहाँ से आवाज़ आ रही है ना, तो देखते हैं ये आवाज़ किस चीज़ की है आगे चल के। तो गाइस हम रुक गए थे अभी यहाँ पे अफसर ऑटो सर्विस, जस्ट बिकॉज आपको पता है ना कि इंजन में से अभी आवाज़ आने लगी थी। तो वो आवाज़ मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि वो थी हमारी, जब गाड़ी हीट हो जाती है तब वो साउंड आता है, और हमारी गाड़ी हीट हो चुकी थी तो वाला साउंड आया। बट जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पज़ मैंने हाईवे से गाड़ी आधा किलो, एक किलोमीटर ही अंदर एक बस्ती थी तो मैंने गाड़ी वहाँ पे मोड़ ली। मैंने कहा रिस्क नहीं लेते हैं यार, दिखा देते, क्या मालूम कुछ और भी हो सकता है, बट था नहीं, एक जगह दिखाई वहाँ पर स्टार्ट करी तो आवाज़ बहुत तेज़ आ रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, नो इशू। अब एक काम करेंगे, अब इसको रेस्ट कर कर के लेके जाते हैं, आराम आराम चलेंगे रेस्ट कर कर के। तो देखा जो मैंने आपको पहले बताया था उसका लाइव एग्जांपल भी आपको दिखा दिया अभी मैंने, अभी मैं वीडियो अटैच कर दूंगा जो मैंने बाद में बनाई थी मोबाइल से, इसकी साउंड आप सुनिएगा कितना भयानक साउंड आ रहा था। तो बरेली क्रॉस हो चुका है, फतेहगंज है ये, यहाँ से रामपुर है अप्रॉक्स 50 किलोमीटर। तो चलते हैं रामपुर में स्टॉप लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर हम जो हैं अपने मैकेनिक जहाँ पे बाइक दिखाया क्या था जस्ट स्टॉप किया था बाइक, वहाँ से आगे आ चुके हैं। तो गैस ये वो जगह है जहाँ मैं लास्ट टाइम, मतलब 4 साल पहले जब मैं दिल्ली से आ रहा था, तब महीना था जून का और दोपहर में आ रहा था, तब मेरी 135 ने वो प्रॉब्लम क्रिएट किया था जो मैंने अभी आपको हीटिंग का इशू बताया था। तो ये बहुत एक कॉमन सा इशू है
और ये सब लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाए होंगे आई बिलीव, क्योंकि ये क्या होता है कि जब आप एक लॉन्गेस्ट राइड पे जाते हो, और लॉन्गेस्ट राइड पे आरएक्स पे बहुत कम ही लोग जाते हैं, स्पेशली नॉर्थ साइड के तो बहुत कम जाते हैं। हाँ, साउथ साइड की बात करें तो वहाँ पे तो देखो, वहाँ पे क्या है कि वहाँ का ना वेदर ही अच्छा रहता है, वहाँ का वेदर ही कूल रहता है, तो इस वजह से वहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। लेकिन वो दिक्कत ना हम नॉर्थ वालों के साथ है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो ये था कुछ इशू। बाइक में कोई इशू नहीं है, अपने आराम से मस्त से चल रही है। अभी हम आधे घंटे के अंदर मैक्स हम रामपुर भी पहुँच जाएंगे। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ रामपुर ना स्टॉप लेके हम एक मुरादाबाद में स्टॉप लेंगे, वहाँ पे थोड़ा बहुत खा पी लेंगे, और फिर उसके बाद एक हापुड़ के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। एंड मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ से मतलब मुरादाबाद से 3 घंटे तो लगते ही लगते हैं, वो भी 3 घंटे तब लगते हैं जब आप नॉन स्टॉप चलाएं, तो हम तो नॉन स्टॉप चलाने वाले नहीं। हालांकि मौसम अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और हल्की सी ठंड भी हो जाएगी शाम में, धूप नहीं रहेगी। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे की जर्नी कैसी रहती है। अभी तो मज़े ले रहे हैं राइड के, बस स्मूथनेस है यार बाइक में, स्मूथनेस, इंजन भी स्मूथ है इसका, नो डाउट। तो दोस्तों फाइनली हम लोग मुरादाबाद सिटी को क्रॉस करके अभी मेन हाईवे पे हैं। यहाँ पे 151 किलोमीटर दिल्ली शो कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हम हाफ से भी ज़्यादा अपनी जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं। और टाइम अभी हो रहा है 1 बजे हम निकले थे, ऑलमोस्ट 5 घंटे हो गए हमें चलते हुए। नो इशू, 5 घंटे में से 1 घंटा तो आप ये मान के चलोगे हमारा चला गया, किसमें वेस्ट हो गया, हमारी गाड़ी जो हीट हो गई थी ना उसमें हमारा 1 घंटा ऐसे ही वेस्ट हो गया। और बाकी का टाइम मैं यहाँ पे एक ढाबा देख रहा हूँ यार, एक यहाँ पे होटल था वसीम, हाँ वो है। अब ये मेरे ख्याल से बंद है कि खुला है यार, वो नहीं पता। तो थोड़ा सा हल्का सा रॉन्ग साइड जाएंगे और जाके देखेंगे कि भैया बंद है, बंद है, बंद है, वसीम का होटल बंद है। तो अब यार कहीं और जाके ही खाना खाना पड़ेगा। चलो मुरादाबाद तो क्रॉस करते हैं, फिर आगे देखते हैं, कहीं ना कहीं रुक के ज़रूर खाएंगे। और मतलब तब से अब तक कोई भी इशू गाड़ी में आया नहीं है, वैसी की वैसी बढ़िया चल रही है। हम हैं पकबाड़ा, पाकबड़ा, पाकबड़ा ये जगह है, हम यहाँ पे हैं अभी, और यहाँ से निकल रहे हैं टूवर्ड्स एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हो गया भाई, स्विफ्ट वाले की गाड़ी को ठोक दिया पीछे से क्या बाइक वाले ने। तो अब जो हम है ना, नेक्स्ट स्टॉप जो लेंगे उसके बाद हमारी गाड़ी जो है ना वो खींचेंगे फिर खूब, क्योंकि तब थोड़ा सा धूप भी कम हो जाएगी और चलाने में भी मज़ा आएगा। और हीटिंग का इशू तो अब तो होगा नहीं, हीटिंग का इशू वो एक एक बार ही होता है। तो आगे चल के देखते हैं कहाँ रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे। वैसे अभी इतनी ज़्यादा मुझे भूख है नहीं, लेकिन तब भी खा लेंगे तो सही रहेगा यार, है ना, खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए। चलो देखते हैं आगे। अभी हम ये 4th टोल यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, अभी इसके आगे 2 टोल और बचे हैं। मुरादाबाद से काफ़ी आगे निकल चुके हैं, खाने की कोई जगह तलाश रहे हैं, कोई जगह मिले खाने की अच्छी सी तो वहाँ पे बैठ के खाना खाया जाए। अब ऐसे वैसे यार ढाबों पे रुकते हुए मुझे ना अजीब सा लगता है, जस्ट बिकॉज हाइजीन का कोई अता पता नहीं होता है, और मेरा यार फूड पॉइजनिंग हो जाती है मुझे बहुत जल्दी, इसलिए मैं भूखा रहना ही अवॉइड करता हूँ। अच्छा मेरे साथ एक प्रॉब्लम भी है, अगर भूखा रहूँगा तो सर में दर्द होने लगता है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। अब फटाफट से एक हंटिंग कर रहा हूँ मैं, एक होटल की मिल जाए तो कुछ खाया पिया जाए और फिर आगे की यात्रा शुरू करी जाए। धूप तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, पता नहीं क्या ही टाइम हो रहा होगा। गन्ने का रस नहीं पिएंगे सर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि अभी बॉडी मेरी गर्म है, गर्म ही रास्ता है, और उस पर ठंडा ठंडा कुछ पी लिया तो बस फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो यार वैसे एक बात है,
बहुत टाइम के बाद मैं इतना लंबा ट्रैवल कर रहा हूँ बाइक से। लास्ट वीक में जो बाइक उठा के लाया था उसमें मैं अपने फ्रेंड को ले गया था साथ में, तो वो ज़्यादा बोर नहीं हुआ था। अभी बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ और 120 और 125 के अप्रॉक्स दिल्ली रह गया है यहाँ से, तो शाम होते होते हम पहुँच जाएंगे दिल्ली भी बड़े आराम से। होप सो कि अब गाड़ी में कोई इशू ना आए, वैसे तो नहीं आएगा। जब इतनी रास्ता क्रॉस करे डॉगी भाई, ऐसे मत करो अपनी तो हार्ट अटैक दे दोगे। तो सफ़र का मज़ा